हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉपुलेशन डिस्पर्जल। पॉपुलेशन जो होती है उसका डिस्पर्जल किस प्रकार से होता है उसको हम इसके अंदर देखेंगे। पॉपुलेशन डिस्पर्जल को हम हिंदी में जनसंख्या वितरण या फिर जनसंख्या चित्राव बोलते हैं। जनसंख्या वितरण या फिर जनसंख्या चित्रा। अब ये पॉपुलेशन डिस्पर्जल जो होता है वो किस प्रकार से होता है हम देखते हैं। अगर नॉर्मली हम बात करें तो कोई एक एरिया हम सेलेक्ट करते हैं, उस एरिया के अंदर जितने भी स्पीशीज जो रह रही है वो क्या हो जाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, लेकिन वो जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार से रह रही है, किस प्रकार से वो उस पूरे एरिया को कवर कर रही है या फिर वो पूरे एरिया में किस प्रकार से फैली हुई है, उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्जल। डिस्पर्ज होना मीन्स फैलना, कि किस प्रकार से वो फैला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डिस्पर्जल बोलेंगे या फिर जनसंख्या का वितरण बोलेंगे। तो अगर हम पॉपुलेशन डिस्पर्जल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसके अंदर एक सिंपल सी डेफिनेशन आएगी कि हर एक पॉपुलेशन जो होती है उसका किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो डेवलप होने की जो तरीका जो होता है, ठीक है, डेवलप होने की प्रोसेस में डेवलप होने का तरीका जो होता है, हम डेवलप होने का इन द सेंस यहाँ ले रहे हैं कि इनका जो रहने का जो तरीका होना है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, रहने का तरीका। ठीक है, ये किस प्रकार से ये सर्वाइव कर रहे हैं, किस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डिस्पर्जल। पॉपुलेशन किस प्रकार से फैली हुई है, तो ये जो पॉपुलेशन डिस्पर्जल होता है, पॉपुलेशन डिस्पर्जल ये तीन प्रकार का होता है। पॉपुलेशन डिस्पर्जल की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन डिस्पर्जल जो होगा वो क्या होगा, तीन प्रकार का होगा। कौन कौन से टाइप का होता है, थ्री टाइप का पॉपुलेशन डिस्पर्जल हमें देखने को मिलता है। पहला आता है यूनिफॉर्म, दूसरा आता है रैंडम, तीसरा आता है क्लम्प। ठीक है, इन तीनों को फॉर्म को पढ़ने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ कि पॉपुलेशन डिस्पर्जल जो होता है उसको हम और कैसे समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल का। इस स्कूल के अंदर हम तीन कंडीशन देखते हैं। एक कंडीशन होती है असेंबली टाइम की, एक कंडीशन होगी असेंबली टाइम, असेंबली मतलब जब प्रेयर जो होती है मॉर्निंग में, ठीक है, प्रेयर टाइम की। दूसरे इसके अंदर लंच टाइम की हम बात करते हैं, और तीसरा इसके अंदर हम कंपटीशन, ग्रुप कंपटीशन की बात करते हैं। ठीक है, ग्रुप कंपटीशन की बात करते हैं। ये हम जनरली केवल एक बार समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम, कि हम किस प्रकार से पॉपुलेशन डिस्पर्जल को देखते हैं। हम जब बात करते हैं असेंबली टाइमिंग की तो उस टाइम पे देखते हैं हम कि असेंबली के अंदर जब प्रेयर हो रही होती है, मॉर्निंग का जब टाइम होता है, तब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स प्रॉपर लाइन में खड़े होते हैं विथ प्रॉपर डिस्टेंस। ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, अपनी अपनी क्लास की अपनी लाइन में, और साथ ही उनके बीच में हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस देखने को मिलता। ये स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता। पॉपुलेशन डिस्पर्जल में हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। असेंबली के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है अरेंजमेंट कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट सारे के सारे क्या है, स्टूडेंट प्रॉपर लाइन के अंदर है, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में वो खड़े हैं। लंच टाइम की जब हम बात करते हैं तो लंच टाइम में क्या होता है, बच्चे फ्री होते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे क्या होते हैं, एक बच्चा यहाँ पर बैठा है, ठीक है, दो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, कोई कोई यहाँ पर चार पांच का ग्रुप हो गया यहाँ पर, ठीक है, कोई एक बच्चा यहाँ पर बैठा, कोई एक बच्चा यहाँ पर बैठा है, किसी भी तरह से रैंडम तरीके से ये क्या होता है, फैले हुए, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, ना इनके बीच में कोई प्रॉपर हमें अरेंजमेंट जो होता है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। क्या नहीं हो रहा है,
प्रॉपर अरेंजमेंट हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। बच्चे क्या है, रैंडमली बैठे हुए हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं वो, सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अरेंजमेंट की हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर डिसअरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं ग्रुप कंपटीशन की। जब ग्रुप कंपटीशन होता है, सपोज कि चार ग्रुप बना दिए, ठीक है, ये चार ग्रुप, इनके बीच में ग्रुप कंपटीशन, इनके बीच में क्वीज का कंपटीशन हो रहा है। किसका कंपटीशन हो रहा है, क्वीज का कंपटीशन हो रहा है। तो क्या होंगे, ये चार बच्चे यहाँ बैठे हैं, चार बच्चे यहाँ बैठे हैं, चार चार का इन्होंने ग्रुप बनाया, चार बच्चे यहाँ बैठे हैं, चार बच्चे यहाँ बैठे हैं, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है, बीच में इनके एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये क्या है, ये ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये अब ये क्या शो कर रहा है कि स्कूल के अंदर क्या है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स क्या हैं, स्टूडेंट्स को हम मानते हैं पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स को हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या शो कर रहा है, स्टूडेंट शो कर रहे हैं पॉपुलेशन को। और जो हम ये अलग अलग टाइमिंग के ऊपर इनका जब ये बैठने का तरीका, इनका स्टैंडिंग, खड़े रहने का तरीका, स्टैंडिंग वे, सिटिंग वे इनका, ये सब जब हम देखते हैं तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये इनका डिस्पर्जल कहलाता है। ये जो अरेंजमेंट, ये जो तीन यहाँ पर बताया, तो ये इनका क्या कहला रहा है, ये अरेंजमेंट जो है, ये अरेंजमेंट क्या कहला रहा है, डिस्पर्जल कहला रहा है। क्या कहलाएगा, डिस्पर्सल। तो जब हम देखते हैं कि असेंबली टाइम में बच्चे एक प्रॉपर वे के अंदर जब खड़े होते हैं, प्रॉपर एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस बना करके खड़े रहते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्सल। यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल, यूनिफॉर्म का मीन क्या होता है, इक्वल, ठीक है। इनके बीच में हमें क्या दिख रहा है, इनके बीच में हमें इक्वल गैप दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये इक्वल गैप हमें इनके बीच में देखने को मिल रहा है। इक्वल गैप के अंदर ये एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो इनका डिस्पर्सल, मतलब बच्चे जो फैले हुए जो हैं, ये कौन से फॉर्म में डिस्पर्स है, कौन से फॉर्म में ये फैले हुए हैं, ये कौन से फॉर्म में ये हम बोल रहे हैं डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, कौन से फॉर्म में ये सर्वाइव कर रहे हैं असेंबली के टाइम पे, तो ये यूनिफॉर्म फॉर्म के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म फॉर्म के अंदर ये रह रहे हैं। तो इस टाइम पे हम पॉपुलेशन डिस्पर्सल जो देखेंगे वो हमें यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। यूनि का मीन ही होता है इक्वल, यूनि का मीन ही क्या होता है, इक्वल। इनके बीच में डिस्टेंस वगैरह सब कुछ हमें प्रॉपर देखने को मिलेगा। सेकंड, जब हम लंच टाइम की बात करते हैं या फिर हम यहाँ पर बात कर देते हैं फ्री टाइम की, तो फ्री टाइम में बच्चे जो होते हैं, बच्चे सारे के सारे फ्री होते हैं, तब उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो उस टाइम पे बच्चे जहाँ अपनी इच्छा होती है वहाँ पर ये फैले हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें एकदम से जो बिखरा हुआ जो अरेंजमेंट, डिसअरेंजमेंट जो दिख रहा है, ये हमें दिखता है रैंडम। बच्चे क्या है, रैंडमली जहाँ पर इनको जगह मिली वहाँ पर ये बैठ गए, वहाँ पर ये घूम रहे, ठीक है। उस टाइम के अंदर इनके अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है। तो ये जो डिस्पर्सल होगा जब ये रैंडमली घूम रहे हैं, ठीक है, जब बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं बिना किसी प्रॉपर डिस्टेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस के, तो वो डिस्पर्जन कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा रैंडम। फिर थर्ड हम बात करते हैं ग्रुप कॉम्पिटिशन के टाइम पे, तो बच्चे क्या है, एक एक ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन इनके अंदर अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अरेंजमेंट हमें क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि ये बच्चे ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं, तो इसी को हम नाम देते हैं क्लम्प्ड। क्या नाम देंगे इसी को हम, क्लम्प्ड, ठीक है। तो ये तीन प्रकार से हमें पॉपुलेशन डिस्पर्जन दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो होती हैं वो क्या करती है, पॉपुलेशन डिस्पर्जन के फॉर्म में रहती है। कुछ स्पीशीज यूनिफॉर्म में होती है, कुछ स्पीशीज रैंडम फॉर्म में, कुछ क्लम्प्ड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो हम उनके अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यूनिफॉर्म की बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म के अंदर हमें अरेंजमेंट कैसा देखने को मिलेगा, एक प्रॉपर वे के अंदर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है हमें, प्रॉपर
वे के अंदर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड है। ये हमने एरिया ले लिया, इसके अंदर हमें ये पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, तो ये पॉपुलेशन यहाँ पर पर्टिकुलर गैप के साथ में दिखेगी। ये डिस्पर्सल हमें कौन सा दिखाई देगा, ये डिस्पर्सल हमें दिखाई देगा यूनिफॉर्म वाला। तो इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो जो छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे से बर्ड्स वाइट कलर के बर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, तो यूनिफॉर्म डिस्पर्सल जो होता है, यूनिफॉर्म डिस्पर्सल की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसके अंदर, तो जो नेस्टिंग गैनेट्स होते हैं, नेस्टिंग गैनेट्स छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं, उन बर्ड्स के अंदर हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्पर्सल जो होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमें जो पेंगुइन्स होते हैं, पेंगुइन्स की अगर हम बात करें तो पेंगुइन्स के अंदर भी हमें क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्पर्सन जो होता है वो ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हो गए, पेंगुइन और नेस्टिंग गैनेट्स, इनके बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यूनिफॉर्म डिस्पर्सल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम प्लांट के रिगार्डिंग बात करते हैं, ये तो हमने एनिमल के एग्जांपल देख लिए, इसके अलावा अगर हम प्लांट के रिगार्डिंग देखते हैं तो प्लांट के रिगार्डिंग हमें सबसे बेस्ट यूनिफॉर्म एग्जांपल देखने को मिलता है जब भी हम जैसे किसी क्रॉप को कल्टीवेट करवाते हैं, ठीक है, क्रॉप को कल्टीवेट करवाते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी जो होती है उसको जब कल्टीवेट करवाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, पर्टिकुलर इस तरह से लाइंस के बीच में, उनके बीच में गैप रखा जाता है और उनको वहां पर क्या किया जाता है, कल्टीवेट करवाया जाता है, ठीक है। ये यहां पर इस तरह से प्लांट्स को क्या करवाया जाएगा, कल्टीवेट करवाया जाएगा, उनके बीच में एक प्रॉपर गैप छोड़ा जाएगा। ये गैप क्यों छोड़ा जाता है, ताकि ये जो प्लांट्स होते हैं इन प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके, इनको ग्रोथ करने के लिए स्पेस मिल सके, ठीक है। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, इनके बीच में स्पेस छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या देखने को मिलती है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट ऑफ दी जो क्रॉप होती है, मोस्ट ऑफ दी क्रॉप के बीच में हमें मोस्ट ऑफ दी उनको जब कल्टीवेटेड करवाया जाता है तो उनमें हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इनका एरिया जो है वो फिक्स है, ठीक है, वो अपने फिक्स जगह पर। तो ये जो प्लांट है, ये वाला प्लांट क्या करेगा, ये वाला प्लांट ये अपने इतने इतने एरिया से ही क्या करेगा, इसको जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, जो भी इसको फूड वगैरह, जो वाटर वगैरह जो मिलेगा, वो मिनरल्स वगैरह वो सारे इतने एरिया से लेगा, ये वाला ये इतने एरिया से अपना लेगा, और ये ग्रोथ भी करेगा तो अपने इसी एरिया में करेगा। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन का लेवल हम देखें तो कॉम्पिटिशन का लेवल जो होता है वो कैसा हो जाता है, कॉम्पिटिशन लो हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन होने की वजह से, अगर किसी स्पीशीज़ में कॉम्पिटिशन हो रहा है तो उसकी वजह से हमें इस तरह का डिस्पर्सल या डिस्ट्रीब्यूशन स्पीशीज़ के बीच में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट सेकेंड हम बात करते हैं रैंडम डिस्पर्सल की। सेकेंड हम किसकी बात करेंगे, सेकेंड हम बात करेंगे रैंडम डिस्पर्सल की। रैंडम डिस्पर्सल की बात करते हैं तो रैंडम डिस्पर्सल हमें हर जगह पर देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं पर भी अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो कहीं पर भी हमें यूनिफॉर्म जो होता है वो प्लांट जब हम खुद ग्रो करवाते हैं तो वहाँ पर हमें यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। अगर हम रिगार्डिंग फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, तो फॉरेस्ट के अंदर भी हम बड़े ट्री की बात नहीं कर रहे, हम जैसे हर्ब्स और शर्ब्स की बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, हर्ब्स एंड शर्ब्स की बात कर रहे हैं।
तो वहां पर क्या होगा, हब्स और शब्स जो होगी उनके बीच में कोई गैप वगैरह कुछ मेंटेन नहीं होगा। एक जो हब होगी वो इतनी दूर हो सकती है, ठीक है, वहीं पर दूसरी हब जो होगी वो जस्ट इसके पास में ही हो सकती है, और तीसरी हब जो होगी वो इससे इतनी दूर हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि ये जो रैंडम डिस्पर्सल है ये हमें किसकी वजह से, कि सीड जो है वो किस वजह से डिस्पर्स हुए, सीड कैसे डिस्पर्स हुए। अगर वो पास पास में ग्रो हुए या पास पास में डिस्पर्स हुए तो फिर है ना प्लांट जो होंगे वो भी क्या करेंगे, पास पास में ग्रो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एनिमल की स्पीशीज वगैरह जो होती है वो भी सारे के सारे क्या होती है, रैंडमली चलती है। जैसे हम देखते हैं कहीं पर अगर जैसे हम एक साथ 100, जैसे ये एरिया है इसके अंदर 100 काउज हैं, ठीक है, तो इन 100 काउज को जब हम रिलीज कर देते हैं तो वो जब वॉक करेगी तो ऐसा नहीं है कि वो वॉक करेगी जब रोड के ऊपर तो ये प्रॉपरली मैनर में करेगी, एक यहाँ कर रही, दूसरी यहाँ कर रही, तीसरी यहाँ कर रही, चौथी यहाँ कर रही, ऐसे नहीं करेगी ये इनकी जैसे इच्छा होगी वैसे ये वॉक करेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल गया, यहाँ पर एक साथ ये पॉपुलेशन, ये कोई इतना आगे चल रहा, कोई इतना पीछे चल रहा, कोई यहाँ पर है ना बहुत सारे 3-4 साथ में चल रहा, तो ये हमें रैंडम डिस्पर्सल देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलेगा, रैंडम डिस्पर्सल एनिमल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम एग्जांपल की बात करें, ये हमने जनरल एग्जांपल समझने के हिसाब से लिए, तो ये हमें देखने को मिलता है रूटेड प्लांट्स के अंदर। किसमें देखने को मिलेगा, रूटेड प्लांट्स के अंदर। रूटेड प्लांट्स कैसे, जैसे हम डेजर्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो डेजर्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, अगर हम बात करें रूटेड प्लांट्स की बात करें तो जब हम डेजर्ट के अंदर जाते हैं, अगर कभी जैसलमेर वगैरह, तो हमें क्या होते हैं वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े से इस तरह से टीले बने हुए होते हैं, और उन टीलों के ऊपर क्या होते हैं, उन टीलों के ऊपर एक यहाँ पर ग्रास इस तरह से ग्रो करी है, वापस एक यहाँ पर है ना इस तरह से ग्रो करेगी, एक यहाँ पर ग्रो करी है, एक इसके पास में यहाँ पर ग्रो करी है, तो इनके बीच में हमें कोई पर्टिकुलर गैप वगैरह डिस्टेंस वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, ये रैंडमली डिस्पर्स हुए हैं, रैंडमली ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, ग्रो करने का जो पैटर्न होता है वही क्या कहलाता है, डिस्पर्सन। तो ये रैंडमली क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा सीड डिस्पर्सन हमें जो देखने को मिलता है तो वो भी रैंडम डिस्पर्सन की वजह से ही देखने को मिलता है। कोई एक प्लांट है, सीड डिस्पर्सल की हम बात करें तो पहले लोग क्या करते थे, जैसे डायरेक्ट सीड को हाथ में लेकर के ऐसे मुट्ठी से ऐसे बिखेर देते थे खेत में, ठीक है, तो जब वो खेत में बिखेर देते थे तो वहाँ पर कई कई जगह पर ज़्यादा सीड गिर गए तो वहाँ पर तो प्लांट बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो करते थे, कहीं पर नहीं गिरे तो वहाँ पर प्लांट ग्रो ही नहीं करते। तो ये हमें रैंडम डिस्पर्सन देखने को मिलता है। अगर हम इसका ऐसे अगर डायग्राम देखें तो इसके अंदर क्या होंगे, ये इस तरह से हमें रैंडमली डिस्पर्स दिखाई देंगे, ठीक है, ये रैंडमली डिस्पर्स हमें ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन की या क्लम्प्ड डिस्पर्जन की। थर्ड हम किसकी बात करते हैं, क्लम्प्ड। क्लम्प्ड का मीन होता है ग्रुप डिस्पर्जन, ठीक है, तो क्लम्प्ड का मीन क्या होता है, ग्रुप। ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो ग्रुप के अंदर, लेकिन उसके अंदर ग्रुप के अंदर कितने इंडिविजुअल्स होंगे उनका कोई नंबर फिक्स नहीं होता है, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम कि ये किस फॉर्म में होते हैं, ये ग्रुप के फॉर्म में हो सकते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर मे बी 3 ही हो, यहाँ पर 4 का ग्रुप हो, ग्रुपिंग इनके अंदर हमें देखने को मिलेगी, लेकिन वो ग्रुपिंग के अंदर जो इंडिविजुअल्स का नंबर होता है वो इंडिविजुअल्स का नंबर कितना भी हो सकता है, ठीक है, तो वो ग्रुपिंग हमें ऑर्गेनिज्म के बीच में देखने को मिलती है। जब पॉपुलेशन इस तरह से ग्रुपिंग के रूप में डिस्पर्स होती है, फैली हुई रहती है, तो इसको हम क्लम्प्ड डिस्पर्जन बोलते हैं। तो क्लम्प्ड डिस्पर्जन तो हमें मोस्ट ऑफ द स्पीशीज के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हम बात कर लेते हैं एलिफेंट के अंदर, तो एलिफेंट के अंदर क्या होता है, एलिफेंट की जो पूरी की पूरी जो टीम होती है तो उसमें भी वो क्या करते हैं, ग्रुप बना करके चलते हैं, 2 एलिफेंट आगे चल रहे हैं, बीच में 3-4 एलिफेंट चल रहे हैं, तो इस तरह से उनके अंदर हमें ग्रुपिंग देखने को मिलती है। मंकीज की अगर हम बात करें, डियर की अगर हम बात करें, तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रुपिंग
देखने को मिलती है। ठीक है, और ये क्या बताया कि ग्रुपिंग इनके अंदर देख होती है, लेकिन ये कैसे होते हैं, इनके अंदर इंडिविजुअल का नंबर कोई भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और ये ग्रुप के अंदर क्यों रहते हैं, ताकि इनको जो इनके प्रीडेटर्स होते हैं अपने प्रीडेटर्स से ये खुद को सुरक्षा या सुरक्षित कर सकें। ठीक है, इनके प्रीडेटर्स से इनको सुरक्षा मिल सके, प्रोटेक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन इनको इनके प्रीडेटर से मिल जाता है जब ये ग्रुप के अंदर होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये रैंडमली अगर रहेंगे, अकेले अकेले रहेंगे या यूनिफॉर्म के अंदर रहेंगे, तो इनको कोई भी अपना प्रे बना सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि ये जो डिस्पर्जन होता है, तो उस डिस्पर्जन के अंदर ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्लूड भी हो सकता है और एक्सक्लूड भी हो सकता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्लूड और एक्सक्लूड होता है, तो उसके लिए दो फैक्टर मेनली यहाँ काम करता है। ठीक है, पहला होता है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, और दूसरा होता है ई-माइग्रेशन, ई-माइग्रेशन। किसी भी पॉपुलेशन की साइज जो होती है, इसके लिए दो फैक्टर काम करते हैं। इनके साथ साथ में, इमिग्रेशन के साथ में एक और जो फैक्टर काम करता है वो होता है बर्थ, एंड इमिग्रेशन एंड बर्थ, और इसके साथ में जो फैक्टर होता है वो डेथ भी हो सकता है, सॉरी डेथ होता है, डेथ भी हो सकता नहीं, डेथ होता है। इमिग्रेशन का मीन होता है एंट्री करना, इमिग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, एंट्री करना। इमिग्रेशन का मीन होता है एंट्री करना, और ई माइग्रेशन का मीन होता है एग्जिट हो जाना। ठीक है, ई मीन्स एग्जिट। तो ये जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन की साइज जो होती है, पॉपुलेशन की साइज वेरी करती है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, उसमें कितने ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नए आ रहे हैं, कितने ऑर्गेनिज्म उसमें से बाहर निकल रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बर्थ जो होता है, बर्थ को हम बोलते हैं नेटेलिटी, बर्थ को हम क्या बोलेंगे, नेटेलिटी, और जो डेथ होता है, डेथ को हम बोलते हैं मॉर्टेलिटी। तो ये नेटेलिटी और मॉर्टेलिटी जो होते हैं, और इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन, ये पॉपुलेशन की साइज को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, और इनको काउंट करने के लिए, इनको हम बोल सकते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेटेलिटी के बारे में और मॉर्टेलिटी के बारे में, साथ ही साथ इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन। ठीक है, कभी कभी ई माइग्रेशन की जगह पर माइग्रेशन भी लिखा हुआ हो सकता है। माइग्रेशन का मतलब भी यही होता है कि कोई स्पीशीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर गई है, मतलब वो वहाँ से जाकर के कई दूसरी जगह पर रहने लग गई है। अब वो रहने लगी है तो ज़रूरी नहीं कि वो परमानेंटली माइग्रेट कर गई है, वो टेम्प्रेरी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से टेम्प्रेरी होता है, किस प्रकार से परमानेंट होता है, मॉर्टेलिटी और नेटेलिटी, इनके